हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, इसकी ऑलरेडी दो वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको गले के फंदे उठाना बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गले के फंदे। अब मैं गले के फंदे उठाना बता रही हूँ। ये 10 फंदे की पट्टी है, ये ऑलरेडी हमारे 10 फंदे उठे हुए हैं पहले से ही। अब यहाँ से मैंने फंदे पास पास से सिलाई को पीछे की तरफ डालना है और सीधे फंदे की तरह ऐसे निकाल लेना है। इससे हमारा ये एक फंदा मिल गया हमको। ऐसे पास पास करके हमने फंदे उठाने हैं। बस ध्यान रखना है कि फंदे के बीच में ज़्यादा गैप ना हो। ऐसे फंदे उठाते जाने हमने। बस ऐसे पास पास करके उठाना, ये नहीं कि एक फंदा यहाँ से उठा लिया तो फिर ठीक नहीं होगा। ऐसे पास पास करके हमने फंदे उठाने हैं। अब ये जॉइंट तक हमने फंदे उठा लिए हैं। ये ऑलरेडी हमारे 30 फंदे पहले से ही इस सिलाई में हैं। अब ये जो 4 सिलाई मैंने इसके बाद बुनी थी, अब ये बीच में गैप ना रह जाए इसके लिए मैंने यहाँ से भी फंदे उठाने हैं। यहाँ से भी फंदे उठाने हैं। ये 4 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। अब ये ऑलरेडी हमारे ये फंदे उठे हुए हैं और बाद में हमने इधर से भी ऐसे ही फंदे उठाने हैं। इस साइड में भी हमने जैसे इधर से उठाए थे ऐसे ही इधर से भी उठाते हुए फंदों को यहाँ तक उठाएंगे और फिर हम बॉर्डर बनना शुरू करेंगे 10 नंबर की सिलाई से। इस तरह हम बुनते हुए इससे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में हमने बॉर्डर की तरह बुनते जाना सीधे उल्टे। फंदे हमेशा सीधी साइड से उठाना है। इस साइड से बुनेंगे हम, बुनते पूरा बुन के जब कॉलर बन के कम्प्लीट होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कॉलर बन के कम्प्लीट हो गया है, देखने में ऐसा लग रहा है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ये 10 नंबर ऑलरेडी पट्टी में थे, 17 फंदे मैंने यहाँ उठाए और 17 ही फंदे मैंने इधर उठाए। अब बैक साइड में, 30 फंदे ऑलरेडी मेरे सिलाई में थे और 4 फंदे मैंने इधर से उठाए और 4 फंदे इधर से उठाए। इस तरह मेरे कॉलर में 92 फंदे मैंने उठाए हैं। 4 इंच का बॉर्डर बन के तैयार किया हुआ है। यदि आपको मेरा डिज़ाइन और स्वेटर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।